जैसा कि आजकल सब पे रील का भूत सवार है, तो यहाँ पे अब रील बनाई जा रही है पतली कमरिया पे। तो दोस्तों ये नकल करते हुए पकड़े गए, तो खाना वाना सही नहीं है यहाँ का, खाना सही नहीं है। हेलो गुड मॉर्निंग, तो सभी लोग उठ चुके हैं और ये भाई साहब अभी सोए ही हैं। भाई उठ जा, भाई उठ जा, 9 बजे से पेपर है। हाँ अभी नाश्ता भी करना है। चाय मिलेगी क्या? चलो ओवर एक्टिंग मत कर यार, 50 रुपए काटो इसके ओवर एक्टिंग के। गुड मॉर्निंग, वाह आई हैव अ नाइस डे। सभी लोग यहाँ पे मस्त व्यू कैप्चर कर रहे हैं। ये सबसे लेट करता है, पूरा चेक कर ले, कुछ सामान छूटा तो नहीं। हाँ नीचे भी चेक कर ले, चेक कर ले एक बार बैठ के नीचे उचे, क्योंकि कोई चीज नीचे चली जाती है। अबे यार इतना नहीं देखना है, यही होता है ये भाई, ये GoPro की आंख। भाई इस बरस की रेस यहाँ पे खतरनाक पड़ रही है, यहाँ से आ रही है सीधे सिर पे पड़ रही है, मुंह पे पड़ रही है। और ये इस होटल का रेस्टोरेंट है और पराठे भी ऑर्डर पे दे दिए हैं, तो बन रहे हैं अभी, तो वेट कर रहे हैं कि कब आएँ और कब खाएँ और कब निकले हम। अंकल जी आपका खर्चा एक पुड़को कुछ जगह छीन घूम ले तुम, अगर बासे थोल दे ले तो यूनिवर्सिटी बड़ो सुंदर कैंपस हो। हाँ हनुमान मंदिर भी पास है, तो का पास। हाँ उगदम भी अलग है। और सबसे सबसे बढ़िया जो ट्रैक था, हाँ जंगली ट्रैक वो था डांडा चली, वो जगह देखी। ये देखा ना ये मेरे उंगल के ना जो जाने, हाँ वो बस्ती में थोड़ा सा बसी है, वो सफेद सफेद हल्की हल्की छाया में जो ठिकाने बस। अच्छा 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 ओ एतर। हाँ अच्छा के नाम से वीक डांडा चेली भी सर पंत नगर बोलना है। अच्छा डांडा चेली पंत नगर तो यूनिवर्सिटी। अच्छा काफी एकांत जगह छ, मतलब ना एकांत से लेकिन बहुत प्यारी जगह, देवदार का पेड़ चारों ओर। हाँ। और रिसर्च सेंटर वैसे पहले डांडा चेली से पहले, जैसे चीड़ के बड़े पेड़ होते हैं ना, तो उनकी लंबाई घटा करके वो क्या करते हैं मोटाई में बदल देते हैं उसको। अच्छा ऐसे रिसर्च होती है। रिसर्च होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो खाना पीना हो गया है, अब चलते हैं और हमें जाना है यहाँ ऊपर पहाड़ी में। और पिछली बार हम पेपर देने आए थे ना, जब हमारे यहीं थे पेपर, तो शॉर्टकट मारा था हमने वहाँ से यहाँ नीचे, तो फंस गए थे हम यहाँ पे। तो हम इस घर के रास्ते आए थे, तो मतलब शॉर्टकट के चक्कर में हम फंस गए थे पहली बार। और ये हमारा होटल जहाँ हम रुके, होटल हवेली, और कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे है। और अब चलते हैं सीधे ऊपर ही, पेपर है 9 बजे से और 8:30 हो गए हैं। ठंडो मेरा पाड़े की ठंडो। भाई क्या बात, पतला सा रास्ता और नीचे गहरी खाई, तो जाएगा कुछ बचेगा थोड़ी ना। तो फाइनली पहुंच चुके हैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चंबा, और ये वाला जो रास्ता है ये पैदल मार्ग है। ऑल द बेस्ट। और अनिरुद्ध और मेरा तो बाद में है पेपर, तो दोनों तब बाद में पेपर देंगे, तब तक हम यहीं आसपास घूम लेते हैं। तो ये यहाँ का गेट है, वैसे गेट उस साइड होना चाहिए था, इस साइड नहीं होना चाहिए था। और यहाँ हवा भी बहुत ठंडी ठंडी लग रही है, ये देखो ना घास कितनी तेज उड़ रही है। हम अगर पैदल आते तो यहाँ से आते यहाँ, और यहाँ पे नीचे रोड कट रही है, तो यहाँ पे ये हिसर की झाड़ भी है और ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। कैसा रहा पेपर था? बहुत ही मस्त, मतलब ये थे कि आधे तो आते ही थे, कंफर्म। हाँ, सही कंफर्म है। हॉस्टल वाले आप? हाँ। फर्स्ट ईयर सर, कैसा है यहाँ माहौल? माहौल बढ़िया है ब्रो, इधर बढ़िया है, बढ़िया है, एकांत में है, एकांत में है। चल ले भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ पांव जोड़ रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पेपर दो फिर चलेंगे। अरे 2 घंटे हैं यार, 2 घंटे में अभी आने जाना बहुत लंबा हो जाएगा, आप समझो मेरी बातों को। पढ़ लो जरा, तू निकाल ले बुक बाग, निकाल लो बुक वुक। नहीं मुझे डिग्री लानी है अपनी, ग्रेजुएशन डिग्री अभी ले लेंगे, कितना टाइम लगेगा? 4-5 महीने प्रोसेस पता कर लेंगे ना, प्रोसेस 1 मिनट में लगेगा भाई। तो जैसा कि आजकल सब पे रील का भूत सवार है, तो यहाँ पे अब रील बनाई जा रही है पतली कमरिया पे, तो हमारा फुल एंटरटेनमेंट हो रहा है। और इस साइड तो भाई कमाल का व्यू है, देख लो
कितने शानदार हैं नज़ारे, और पर्वत श्रृंखलाएँ कितनी कमाल की लग रही हैं। ये रहा चौखंबा, नीचे टिहरी झील भी दिख रही है। चल तो बाढ़ कर रखी है, नहीं है रास्ता, चल वापस। कैसा गया पेपर? मैथ से अच्छा गया भाई। और कुछ चाहिए आपको? तो दोस्तों ये नकल करते हुए पकड़े गए तो यहाँ पे ये जेल में कैद हो चुके हैं, तो हम इनसे मिलने के लिए आ रखे हैं। सब ठीक है ना? सब बढ़िया। खाना वाना सही नहीं है यहाँ का। खाना सही नहीं है? खाना सही नहीं है, पानी पानी के भरोसे हम जो है यहाँ जी रहे हैं। देखो ये बोतल है, बस इधर पानी ला के दिए, 20 तो पानी भर के अपने कमरे में रख लेंगे। A few moments later. हेलो गाइस, कैसा पेपर रहा आपका? बढ़िया रहा, चलो इस बात की खुशी रही कि पूरे क्वेश्चन खुले। पूरे क्वेश्चन खुले, वाओ, चलो। हाँ, क्वेश्चन तो पूरे खुले। तो चलो अब चलते हैं। तो कैंपस काफ़ी खूबसूरत है और मेन ब्रांच है श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी की, और ये आता है बासैथोल में, और इस साइड है चंबा बाजार। तो पूरा भी हम पैक हो चुके हैं सर से लेके पांव तक, अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश के लिए, और ठंड भी बहुत हो जाएगी जाते जाते, तो अभी धूप है तो अभी निकलने में फ़ायदा है। क्यों? हाँ जी, अभी निकल जाएंगे तो ठंड से बच जाएंगे। हेलमेट दे। अभी हमने एक ब्रेक लिया है चाय पीने के लिए, और ये आगरा खाल में है ये लोकेशन, इंद्रजीत रेस्टोरेंट ना जी, बिल्कुल सर, है ना, बीच का मस्त व्यू है। हमारी चाय भी आ चुकी है, चाय की चुस्की, एक बिस्किट खा लो यार, हैं बिस्किट खा ले, ये भी मना कर रहा है। चलो दस्ती ला इधर भाई, कोई नहीं खा रहा इनमें से, खा लो यार बिस्किट, चलो कोई नहीं खा रहा। चाय की चुस्की और एक बिस्की, देख सकते हो आप यहाँ पे कैसा भूस्खलन हो रहा है। सिगरेट भी ले, वो भी ले। राजा का महल था ये पहले, महेंद्र शाह का महल था, जो उन्होंने अब बेचकर होटल बना दिया है, अब ये पर्यटन स्थल बन चुका है। पहले उन्होंने ओबराय के हवाले किया था, अब मेरे से उनसे बात हुई नहीं, अब मुझे पता नहीं किसको बेचा उन्होंने, लेकिन पर अब ये होटल है, लोग आते हैं यहाँ पर, ये 5-star होटल है, ये है ना आनंद होटल। देखिए कोई क्या आवाज़ आ रही, आन दे रुक जा आवाज़ आ रही है, बोलेगा और बता, पट पट काई क्या हो रहा हो, इसकी तो नहीं आ रही, हाँ हिला वो बहुत टाइट है, चल इसकी आ रही है ना, ना उसकी नहीं आ रही, वो भी देखा मैंने, चल बाजीगर, हाँ मैं बाजीगर सबसे अलग, सौकर वाले दबे हुए थे ना, हाँ तो मैंने उसको ऐसे ऐसे करके तो वो ऊपर कर दिए, देसी जुगाड़ बोलते हैं इसे। फाइनली हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं गाइस, खाल वाले में हैं अभी हम, यह है चंद्रा पैलेस, ठीक है मिलते हैं, बाय बाय। ओके भाई, क्या हाल चाल? बस बढ़िया सर, आप सुनाओ? बहुत बढ़िया, कहाँ घूम रहे हो? क्या मौज आ रही है तुम्हारी? मौज आ रही है, हालत खराब हो रही है, मिलिए एक और दोस्त से, यह है तरह, तो क्या हाल चाल? बस बढ़िया भाई,
तुम सुनाओ कैसा रहा तुम्हारा सफर? बढ़िया रहा, पेपर भी बढ़िया रहा। सही में तुम तो पहले ही पास हो गए। अरे मामा तुमने जग पहली जीत। कैसे हुए तुम पास? बस पता ही नहीं भाई कैसे हुए। इन्हें पता ही नहीं प्रमोट हो गए, हमें क्यों नहीं किया प्रमोट उन्होंने। और सुनाओ। ठीक है चल, ठीक है फिर मिलते हैं। ठीक है मिलते हैं तो। ओके बाय बाय, तेज जाना आराम से आराम। तो इसके भी पहुँच गए हैं और यहाँ तो यार अलग ही धुंध लगी है। टेम्परेचर डाउन हो रहा होगा ना धीरे धीरे।